टेस्ट में सारी चीजें अच्छी थी, हमने थाली ऑर्डर की। और इसको हल्की धीमी धीमी आंच पे पनीर को हम लोग को पकाना पड़ेगा। तरह काफी अच्छे से रहती है और टेबल वगैरह बड़ी अच्छे से क्लीन की जाती है। तो जब बात आती है जयपुर में खाने पीने की, तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारे ढाबे आपको जयपुर में मिल जाएंगे, बट मेन चीज़ क्या आती है, मेन दिक्कत आती है टेस्ट की। कहाँ का टेस्ट भी अच्छा हो, MES भी बढ़िया हो और जो सर्विस है वो भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं इसी के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ, क्योंकि आज मैं आ चुका हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जोशीवाल ढाबा जो कि वैशाली नगर में है। टेस्ट के मामले में काफ़ी बढ़िया रिव्यूज़ इस ढाबे के हैं। श्रीकाल खमंगड़ी, मैं हूँ आपका दोस्त सर जयपुर, लेके आ चुका एक नई यूट्यूब वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जोशीवाल ढाबा की, जो कि वैशाली नगर में स्थित है। अंदर जाएंगे और आपको मैं इनकी जो स्पेशल चीज़ें हैं, जो स्पेशल जो मतलब कि आपको ऑल ओवर राजस्थान में कहीं नहीं मिलेगी, उनके बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। तो यदि भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए शेयर और लाइक, ताकि जयपुर के बारे में अनएक्सप्लोर कॉन्टेंट आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलता रहे। अभी हम चलने वाले हैं अंदर और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, यदि बात करें जोशीवाल ढाबा के एड्रेस की, तो जो वैशाली नगर में हनुमान वाटिका है, हनुमान वाटिका में जो आप अग्रवाल मार्बल एक बार दिखा दीजिए सामने, अग्रवाल मार्बल के जस्ट सामने आप जब आएंगे तो आपको जोशीवाल ढाबा यहाँ पर मिल जाएगा। हम बात करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट की, तो यहाँ पर लगभग 60 से 70 लोगों का जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो यहाँ पर एट ए टाइम रहता है। और यहाँ पर मतलब देख लीजिए आप कितना शानदार प्रीमियम सिटिंग का यहाँ पर जो बंदोबस्त है जो जोशीवाल ढाबा में है। तो यहाँ पर जब आप अपनी फैमिली के साथ आते हैं या फ्रेंड्स के साथ या किसी छोटी मोटी पार्टी भी आप करने आते हैं, तो आपको सिटिंग अरेंजमेंट काफ़ी बढ़िया जोशीवाल ढाबा प्रोवाइड करवाता है। तो दोस्तों, यदि आप जयपुर में किसी भी रेस्टोरेंट या किसी भी ढाबे पर जाते हैं, तो आपको जो नॉर्मल आइटम होते हैं वो सब जगह एक जैसे ही मिलते हैं, बट जोशीवाल ढाबा की जो मेन खासियत है, इनका जो शाही पनीर और चीज़ टोमेटो की जो रेसिपी है, वो बहुत ही मेरे को सुनने, जब मैं इनसे बात करा था तो मुझे वो सुनने में काफ़ी बढ़िया लगी, क्योंकि जो उसकी जो ग्रेवी है वो लगभग 5 से 6 घंटे एक तरीके से जो है पकाई जाती है, तब उसको जो सब्जी बनाते हैं उसमें ये यूज़ में लेते हैं। अभी हम उसकी मेकिंग भी आपको बताने वाले हैं, क्योंकि मुझे सुनने में काफ़ी बढ़िया लगा, तो एक बार मैं देखूंगा और आपको मेकिंग उसकी जो है, क्योंकि उसमें जो मसाले वगैरह रहते हैं वो बिल्कुल ये नाप तौल के वेइंग मशीन से जो है वो उसमें ऐड करते हैं। मेरा नाम प्रतीक जोशी है, जोशीवाल ढाबा ओनर। जैसे कि आपको अभी बताया मैंने कि ये हम लोग अभी जो रेसिपी रेडी करें पनीर ग्रेवी है, जो कि हमारा शाही पनीर और जो स्पेशल है अपना चीज़ टमाटो ढाबा स्पेशल, वो इसी ग्रेवी से बनता है। इसकी खासियत ये है कि इसको 2 से 3 घंटा कुक होने में लगता है, कि प्योर की है पनीर ग्रेवी है इसलिए, और इसको हल्की धीमी धीमी आँच पर पनीर को हम लोग को पकाना पड़ता है। इसमें थोड़ा सा मसाला होता है और पनीर के जो भी रहता है क्रशेस करके हम लोग पनीर इसमें डालते हैं, और उसके बाद में हम लोग इससे जो प्रिपरेशन करते हैं शाही पनीर का और एक चीज़ टमाटो का, दोनों डिफरेंट है सब्ज़ी। शाही पनीर थोड़ा स्पाइसी रहेगा और चीज़ टमाटो है उसमें थोड़ा स्वीटनेस रहता है, वो कि बच्चों का फेवरेट रहता है स्वीट। ये जो रेसिपी है हमारी सर, ये 18 से 20 साल पुरानी है, जो कि आपने नाम सुना होगा बिट्स पिलानी, काफ़ी फेमस है अपने ऑल ओवर इंडिया। वहाँ पर बिट्सियन जो है उनका ऑल टाइम फेवरेट है ये ग्रेवी, लोग बाग दिल्ली से खाने इस टेस्ट के लिए दिल्ली से खाने के लिए आते हैं। उसी चीज़ को हमने कंटिन्यू जोशीवाल ढाबा में कंटिन्यू करने का ट्राई किया है, जो कि यहाँ पे जयपुर वासियों को काफ़ी पसंद भी आ रहा है टेस्ट, और इसका चीज़ टमाटो भी काफ़ी पसंद आ रहा है, और स्पाइसी में चाहिए तो शाही पनीर भी काफ़ी पसंद आ रहा है लोगों को। तो दोस्तों, इनकी जो JD स्पेशल थाली है वो देखो कितनी सज के तैयार हो चुकी है, और कितना टेम्पटिंग ये जो पूरा फूड ये लग रहा है, और इन्होंने जो भी अगर इतनी सी भी सब्जी बनाई है तो ये पूरा प्रॉपर कुक करके इन्होंने बनाया, ऐसे नहीं कि पहले बनी हुई सब्जी को इन्होंने यूज़ में ले लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो देखिए आप,
तो दोस्तों अमूमन आपने क्या देखा होगा कि आप जब एक रेस्टोरेंट में कुछ खाने पीने के लिए ऑर्डर देते हैं तो ऑर्डर वेटर लेके जाता है और आपका ऑर्डर कंप्लीट होके आ जाता है। बट यहाँ पे कुछ कहानी डिफरेंट ही है। जो यहाँ के ऑनर है प्रतीक है और मिस्टर जय हैं, देखिए आप ये कैसे मतलब कि अपने जो कस्टमर के लिए है एक स्पेशल रेसिपी जो ये तैयार करते हैं, अपने हाथों से खाना बना रहे हैं। तो आप इस बात का नज़र लगा सकते हैं कि जो पैशन होता है आप उसको जहाँ तक फॉलो करेंगे वो पैशन आपको उतना ही आगे लेके जाएगा। और एक बार थोड़ा सा आगे आइए, देखिए मिस्टर प्रतीक जो है वो स्पेशल पनीर की जो ग्रेवी है जो इनके ढाबे की सबसे स्पेशल आइटम है उसके लिए ग्रेवी बना रहे हैं। और मिस्टर जय भी यहाँ पे, जी सर, ये प्याज टमाटर की ग्रेवी है जो मिस्टर जय बना रहे हैं। तो देखिए इसमें यहाँ पर मतलब जो किचन में है कोई भेदभाव नहीं हो रहा कि अगर कोई मतलब कि शेफ़ है वो खाना बना रहा है या नहीं। क्वालिटी सबसे इम्पोर्टेंट है और क्वालिटी को मेंटेन रखना उससे भी बड़ी बात है जो कि जोशीवाल ढाबा यहाँ पर कर रहा है। और जो जोशीवाल ढाबे का जो टेस्ट और जो फूड रिव्यू है वो काफ़ी बढ़िया है। तो आप भी जब भी कभी जयपुर में आपका खाने का मन हो, कोई अलग कुछ डिफरेंट खाने का मन हो और पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में, तो आप जोशीवाल ढाबा जरूर आएं और जरूर यहाँ का जो ऑथेंटिक फूड है, जो स्पेशल फूड है, वो जरूर यहाँ पर ट्राई कीजिए। तो दोस्तों यदि हम बात करें जो जोशीवाल ढाबा की जो प्राइस की, तो प्राइस काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली है और जो टेस्ट है वो काफ़ी बढ़िया है। अभी देखिए ये जो मेन्यू है जोशीवाल ढाबा का, इसके बारे में हम बताने वाले हैं, एक एक चीज़ में आपको बताने वाला हूँ कि किसकी कितनी प्राइस रहती है। और जो प्राइस है और जो टेस्ट है वो काफ़ी बैलेंस्ड है और काफ़ी बढ़िया इनके जो प्राइस रेट, मुझे काफ़ी इनका अच्छा लगा। इन्होंने जब मेरी बात हो रही थी इसमें जो प्राइस है वो मेरे को काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली जोशीवाल ढाबे की लगी है। तो दोस्तों अभी मैं आपको जो जोशीवाल ढाबे का जो मेन्यू है वो बताने वाला हूँ और मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो प्राइस रहती है और कौन कौन से आइटम यहाँ पर जो रहते हैं। आप जब यहाँ पर जोशीवाल ढाबे पर आते हैं तो आपको कौन कौन सा आइटम जो मिल जाता है, आप एड्रेस वगैरह भी देख सकते हैं यहाँ पर, हनुमान वाटिका वैशाली नगर। और जिनको जो मोबाइल नंबर है वो भी यहाँ पर दिया गया, ईमेल आईडी भी आप नोट कर सकते हैं। और यदि कभी आपको पार्टी के लिए, अगर किसी किटी पार्टी हो गई या बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया, तो उसके लिए आप यहाँ पर पहले बात कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं टेबल अपनी। आप एक बार दिखाइए, देखिए जो प्राइस रेंज है वो काफ़ी बढ़िया है, एक बार नीचे और दिखाइए। जैसे कि जो भी इनके आइटम्स हैं उनकी जो प्राइस है वो काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली है और जो टेस्ट है वो भी काफ़ी बढ़िया है। और अभी मैं आपको टेस्ट करके भी बताने वाला हूँ कि मेरे को कैसा इनका टेस्ट लगा है, पर प्राइस के मामले में काफ़ी बढ़िया है। और ये देख लीजिए आप, और जो जो सबसे हॉट सेलिंग जो थाली है ये देखिए, जेडी स्पेशल थाली है। अब इस थाली की देखिए खास बात, देखिए जेडी स्पेशल थाली, इसमें कम से कम 9 से 10 आइटम है और सिर्फ 210 रुपए में ये अवेलेबल है। दोस्तों इनका जो ऑनलाइन ऑर्डर होता है जोमेटो और स्विगी से, वहाँ पर इनकी जो जेडी थाली है काफ़ी वायरल है आसपास के इलाकों में। मतलब कि जो जेडी स्पेशल थाली का एक साथ 40-40, 50-50 थाली का इनके पास ऑर्डर आता है। थाली का जो जोशीवाल ढाबा है कैसे अपना टेस्ट को मेंटेन रख रहा है ताकि लोगों के दिलों में और लोगों की जुबान में ये पहचान बना सके। मैं यहाँ जयपुर से ही हूँ और हम लोग अभी ऐसे घूम रहे थे, छुट्टी है आज, तो कुछ ढूंढ रहे थे अच्छा सा खाने के लिए। अचानक से ये आया और हमें ढाबे में ही कुछ खाना था, तो जस्ट हमने अभी थाली फिनिश ही करी है एंड फूड वाज गुड। जहाँ तक लगता है प्राइसिंग भी अच्छी ही है, क्योंकि जब मैंने ऑर्डर किया तो देखा था उस हिसाब से प्राइसिंग भी आप लोग बहुत अफोर्डेबल है। टेस्ट में सारी चीज़ें अच्छी थी। हमने थाली ऑर्डर की थी JMD स्पेशल थाली, और इसके अंदर जो दाल थी वो भी बहुत टेस्टी थी। सब्ज़ी में दो सब्ज़ियाँ आई थी, एक चीज़ टोमेटो और एक पनीर का कोई वेरिएंट था, मुझे नाम अभी ध्यान नहीं है, बट द फूड वाज गुड। और क्वांटिटी भी ऐसी थी कि दो लोग एक थाली में एक्स्ट्रा फुल हो चुके हैं। डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स को और जिनसे भी मिलूंगी रिकमेंड करूंगी कि यहाँ ज़रूर आकर खाना खाएं एक बार। जो लोग अभी वीडियोज़ देख रहे हैं वो डेफिनेटली यहाँ आके एक बार ट्राई करें। तो यदि आप किसी मतलब कि जैसे ढाबे पर जाते हैं तो आपको सिर्फ इंडियन जो मेन कोर्स होता है वही आपको देखने को मिलता है, बट जो जोशीवाल ढाबे ने एक नई पहल स्टार्ट की है। मतलब इसमें ये जो है 20 से 22 चाइनीज़ आइटम रहते हैं वो भी इन्होंने जो मेन्यू है उसमें इंक्लूड किए हैं, ताकि आप इंडियन मेन कोर्स के साथ जो चाइनीज़ आइटम है जैसे कि हाका नूडल्स हो गए, मोमोज़ हो गए, जो भी जितने भी चाइनीज़ आइटम होते हैं मेन्यू में भी आपने देख लिया होगा कौन कौन से हैं, तो वो भी यहाँ पर ढाबे पर आपको अवेलेबल मिल जाता है। तो कभी आप अपनी फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ आते हैं तो आप चाइनीज़ प्लस इंडियन मेन कोर्स दोनों का मजा जोशीवाल ढाबे पर ले सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इनका चाइनीज़ चटकारा अलग कॉर्नर है, जिसमें 20 से 22 आइटम सारे चाइनीज़ आइटम हैं और आप इनकी प्राइस भी देख सकते हैं। तो जोशीवाल ढाबे पर कभी भी आप आते हैं तो आप चाइनीज़ चटकारा भी साथ में
ले सकते हैं। तो अभी जो हम एक चाइनीज जो आइटम इनका ट्राई करने वाला है जिसका नाम है क्रिस्पी गार्लिक मशरूम है, और अभी हमारे साथ शेफ जी हैं राजकुमार जी, हमारे लिए जो है जो चाइनीज आइटम है वो तैयार कर रहे हैं। और देखिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हाइजीन का यहाँ पर ध्यान रखा जाता है और सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल तरीके से डाली जाती हैं, और जो टेस्ट है वो काफ़ी मेंटेन ये लोग रखते हैं ताकि इनके पास जो कस्टमर रिटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसा कि अभी मेरी ऑनर से बात हुई है तो इनको बोलते हैं कस्टमर हमारा रिटर्न सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे मेन बात ये होती है कि जब कस्टमर रिटर्न होता है तो आपकी क्वालिटी में और जो आपका टेस्ट में है वो काफ़ी दम रहता है। तो अभी सर क्या क्या डालने वाले हैं इसके अंदर, मुझे मेकिंग की वीडियो बनाने में काफ़ी मज़ा आता है। अब क्या डाल रहे हैं? प्याज डाल रहे हैं। चलिए दोस्तों, राजकुमार जी है जो लगे हुए हैं हमारे लिए जो मशरूम की जो एक स्पेशल आइटम है, जो इनकी जो ये आइटम है हॉट सेलिंग पे रहती है, मतलब कि जो कस्टमर जब आता है तो चाइनीज़ में ये जो आइटम बना रहे हैं मशरूम वाला ये ज़रूर ऑर्डर करता है। और तो ये क्रिस्पी गार्लिक मशरूम जो अभी हमारे लिए तैयार हो रहा है वो यहाँ पर राजकुमार जी हमारे लिए तैयार हो रहा है। अभी मैं जो इनका जो सबसे स्पेशल आइटम इन्होंने बताया है क्रिस्पी गार्लिक मशरूम, वो मैं ट्राई करके आपको एकदम जेन्युइन रिव्यू मैं आपको दूंगा कि मेरे को कैसा लगा, क्योंकि मैं भी पहली बार इस डिश को जो टेस्ट करने वाला हूँ आपके सामने टेस्ट करने वाला हूँ। दिखने में तो काफ़ी बढ़िया लग रही है, एक बार मैं टेस्ट करके आपको बताता हूँ कि मेरी तरफ से कैसा रिव्यू आपको जाएगा। अगर टेस्ट की बात करें तो काफ़ी क्रिस्पी है और जो मसाले हैं वो इतने तेज़ नहीं है, मतलब कि और एक थोड़ा सा स्वीटनेस भी इसमें इन्होंने इंक्लूड करा था जिसका टेस्ट है वो इन्हेंस करा, मतलब खाने की इच्छा आपको हो रही है। अभी मैं फटाफट इसको ख़त्म कर दूंगा, जाके हमारा जो दूसरा आइटम आया उसको मैं आपको टेस्ट करके बता पाऊँ। मेरा नाम एलडी रुंथला है और मैं रंगोली गार्डन में रहता हूँ। मैं जोशीवाल ढाबा में फैमिली के साथ काफ़ी टाइम से आ रहा हूँ, ऑलमोस्ट जब से इन्होंने प्री ओपनिंग की है। तो जब फर्स्ट टाइम आए थे तब और अब में कभी टेस्ट में अंतर नहीं, कंसिस्टेंसी बरकरार है और सर्विसेज भी ट्रेमेंडस है। और हाइजीन का अगर अपन देखें तो इनका क्लीनिंग वगैरह काफ़ी अच्छे से रहती है और टेबल वगैरह बड़ी अच्छे से क्लीन की जाती हैं। और एक बार मैंने, जैसे मेरा इंटरेस्ट एरिया है इसलिए मैंने किचन के अंदर जाके भी देखा था, किचन भी काफ़ी अच्छी नीट एंड क्लीन है और हाइजीन वाइज भी काफ़ी अच्छा है। तो हमारा तो यही है कि भाई इनका एक बार आप सब ट्राई कीजिए जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों अभी हमारे साथ हैं जोशीवाल ढाबे के जो ऑनर हैं प्रतीक जी हैं, इनसे हम इनकी स्टोरी जानेंगे, क्योंकि जो जो नाम है ढाबे का वो भी एक स्पेशल तरीके से इन्होंने रखा है, कैसे इन्वेंट किया और कैसे ये जो अब इनका जो पुराना ढाबा है बंटी ढाबा जो कि बीट्स प्लानी में है उनका टेस्ट कैसे ये जयपुर लेके आए। रिसेंटली हम लोगों ने ये जोशीवाल ढाबा भी ओपन किया है। हमारा जो कॉन्सेप्ट है जोशीवाल ढाबा, इसको लेके आने का सिस्टम ये था कि जो ढाबे वाला फूड है जो कि लोग प्रिफर करते हैं खाना, बट लोगों को अच्छा ये जगह नहीं मिलती है, डाइनिंग अच्छी नहीं मिल पाती है, तो उस चीज़ को हमने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट ये किया है कि थोड़ा सा फाइन डाइनिंग में हम लोग ढाबे का टेस्ट दे रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा, अभी बताया होगा वीडियो में, कि हमारा एक ऑलरेडी आउटलेट है बंटी ढाबा पिलाने में जो कि 18 से 20 साल पुराना है, उसी का टेस्ट कुछ हद तक हम लोगों ने वो टेस्ट को कंटिन्यू किया है, कुछ जो ग्रेवी है हमारी रेसिपी है, और उसके अलावा टेस्ट में हम लोग एश्योरिटी भी दे रहे हैं कि आपको टेस्ट की गारंटी दे रहे हैं कि यहाँ पे एंटायर वैशाली और एंटायर जयपुर ऐसा टेस्ट आपको मेरे हिसाब से इस रेट में खाने को नहीं मिलेगा। किचन भी हम लोगों का ओपन कर रखा है, तो किसी की भी कुकिंग किसी को देखना हो कैसे हम लोग का फूड कैसे प्रिपरेशन हो रहा है, क्योंकि कोविड के बाद में लोगों को थोड़ा सा हेजिटेशन हो गई कि यार इधर हम लोग जाएँ कैसा मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, बट हम लोगों ने लाइव किचन रखा हुआ है, किसी को भी आपको जो भी ऑर्डर किया आपको देखना है कुक जो कि हमारा कुक है शेफ़ है वो कैसे आपको बना रहा है खाना कैसे बना रहा है वो सीधे आप लोग इसमें देख सकते हैं। कस्टमर्स और काफ़ी क्वेरीज़ भी आई है, रिव्यूज़ भी हम लोग को जो मिले हैं, उस कॉन्सेप्ट क्या है नेम रखने का। शिवाल का जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो ये है कि मेरा कास्ट जो है जोशी है और हमारे जो पार्टनर है अग्रवाल है, तो हम लोग नाम ढूंढ रहे थे कि रेस्टोरेंट ढाबा का क्या नाम दिया जाए क्या नहीं दिया जाए, काफ़ी सोच विचार करके हम लोगों ने फिर इसको जोशीवाल हम लोगों ने इसको डिसाइड किया। तो यदि आप जोशीवाल ढाबा जो है यहाँ आना चाहते हैं तो आप वैशाली नगर में आएंगे तो आप जो अग्रवाल मार्बल है उसके जस्ट सामने आपको जोशीवाल ढाबा मिल जाएगा। तो यहाँ की जो सबसे फेमस डिश है चीज़ टोमेटो कैसे बनती है और मेरा कैसे रिव्यू रहता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी जो पनीर है इन्होंने मैरिनेट कर रखा है और ये इनको पनीर को पहले फ्राई करेंगे, पनीर फ्राई करके फिर इसको ये स्पेशल तरीके से कैसे बनाते हैं वो तो यही जाने, बट हमने प्रोसेस जो है अभी हम देख रहे हैं कि कैसे कैसे तैयार करते हैं और खाने में ये कैसा लगता है। शेफ राजपाल और ये जो स्पेशल आइटम है वो ये तैयार कर रहे हैं, और अभी हम
पूरा प्रोसेस देखने वाले हैं कि कैसा टेस्ट रहता है और कैसा क्या आइटम ये रहता है, क्योंकि इतनी बड़ाई सुनिए ना क्योंकि ये होता है कि आप अगर कुछ यूनिक आइटम ट्राई करते हैं तब आपको एक चीज़ का पता लगता है कि चीज़ में कितना दम है, वही मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। अभी ये देखिए पनीर इन्होंने फ्राई कर लिया है, आपको देखिए अभी इन्होंने जो इनकी स्पेशल ग्रेवी है वो इसमें ऐड कर दी है, जो ये पहले बना के रखते हैं, जो पनीर से ही बनती है और पनीर से ही ये तैयार करते हैं। लगभग 2 से 2.5 घंटे इनको धीमी आँच पर पकाया जाता है। धीमी आँच पर पकाने के बाद ये जो ग्रेवी है उसको सब्जी बनाने में जो ये स्पेशल रेसिपी बनाते हैं उसमें ये यूज़ में लेते हैं। अभी मैं जो है यहाँ पर ट्राई करने वाला हूँ जो इनका चीज़ टोमेटो की जो सब्ज़ी है, इसमें पनीर आपको दिख रहा होगा पर इस जो सब्ज़ी का नाम है, जो इस डिश का नाम है वो है चीज़ टोमेटो की डिश है। और मेरे पेट में बहुत ज़्यादा चूहे कूद रहे हैं क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो अभी मैं आपको ट्राई करके बताने वाला हूँ कि कैसा क्या टेस्ट रहता है। अभी मैंने खाया नहीं है, मैं आपके सामने ही डाल रहा हूँ ताकि आपको एक जेन्युइन जो फीडबैक है वो मेरी तरफ से मैं आपको दे सकूँ। और ये इनकी दाल मखनी है, तो दाल मखनी को भी हम टेस्ट करने वाले हैं। और आपको मैं ये कह रहा हूँ कि आपको जैसे कि चाइनीज़ आइटम भी पसंद है या इंडियन जो मेन कोर्स होता है वो आपको पसंद है, तो यहाँ पे दोनों की फैसिलिटी आपको मिल जाती है और आपके लिए काफ़ी बेनिफिट की बात है। यदि आपके साथ बच्चे होते हैं उनकी चाइनीज़ ज़्यादा पसंद होता है तो आप जोशीवाल ढाबा पर आ सकते हैं, क्योंकि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, जब आपको सारी चीज़ ही एक जगह मिल जाती है, आपको कहीं और क्यों ही जाना। तो एक बार हम नान के साथ मैं ट्राई करके बताने वाला हूँ कि अगर यदि आप आते हैं तो आपको मतलब कि जो चीज़ टमाटो की सब्ज़ी कैसे लगने वाली है। दोस्तों अगर टेस्ट की बात करूं तो टेस्ट इतना रिच है ना, इतना मतलब इसमें जो अलग ही फ्लेवर आ रहा है, मतलब आप किसी नॉर्मल ढाबे पे खाना खाते हैं ना उससे काफ़ी अलग जो टेस्ट है इसमें आ रहा है। और मतलब बिल्कुल इसमें मसालों की जो क्वांटिटी है बिल्कुल बराबर मात्रा में रखी गई है। और अब इसमें हम दाल मखनी भी ट्राई करने वाले हैं, क्योंकि जो इन्होंने बोला था कि चीज़ टमाटो की सब्ज़ी यहाँ पे काफ़ी फेमस है, काफ़ी डिफरेंट जो उनकी जो रेसिपी है वो भाई स्वाद में भी झलकती है। और अभी हम दाल मखनी ट्राई करके बताने वाले हैं। जो दाल मखनी का टेस्ट है वो भी डिफरेंट है, क्योंकि मैंने और जगह की दाल मखनी खाई है और मैंने यहाँ पे भी दाल, मैं देखिए मैं आपको कोई झूठी तसल्ली नहीं दे रहा हूँ, मेरे को जो एक्चुअल में जो लग रहा है, क्योंकि मैंने उतने ही आइटम मंगवाए हैं जितना मैं टेस्ट करके आपको बता सकूँ। अगर मैं 10 आइटम मंगवा लेता आपको और 10 आइटम को टेस्ट करके बताता तो मतलब वो ओरिजिनल नहीं रहता है, मतलब वो जेन्युइन फीडबैक नहीं जाता है। बट मैंने 2 ही आइटम मंगाए, इन्हीं आइटम को टेस्ट करके मैं आपको इसी के बेस पर आपको जो रिव्यू देने वाला हूँ वो मैं दे भी रहा हूँ। तो आप कभी भी फैमिली के साथ आउटिंग का प्लान कर रहे हैं, आपको ऐसी जगह चाहिए जिसमें ढाबे वाली फीलिंग भी आए और आपको रेस्टोरेंट वाली फीलिंग भी आए, तो आप जोशीवाल ढाबा ज़रूर आइए। और जो वैशाली नगर में इनका कॉन्टैक्ट नंबर, जो इनके इंस्टाग्राम के जो लिंक वगैरह सब कुछ आपको जो डिस्क्रिप्शन में है वो मिल जाएंगी। अभी हम फटाफट फिनिश करते हैं और हम पेट में चूहे कूद रहे हैं तो ऑब्वियसली बातें खाना ही खाएंगे। तो यदि हम टाइमिंग की बात करें, जोशीवाल ढाबे की जो टाइमिंग है वो रहती है सुबह 10 से और रात को 2 बजे तक आपको ओपन ये मिल जाएगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाल कलर का बटन आ रहा होगा उसको दबा के कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए शेयर और लाइक, ताकि जयपुर के बारे में
अनएक्सप्लोर कंटेंट आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलता रहे। यदि भी आपने मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो नहीं किया तो भैया किस बात का वेट करो, इंस्टाग्राम पे भी जल्दी से जल्दी जाके फॉलो कीजिए। वहाँ पे मैं जो रॉ फुटेज होती है, जो वीडियो की रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है, वो मैं वहाँ पोस्ट करता रहता हूँ। इसी के साथ आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। नमस्कार।